मेरा अशोक कुमार सिंह नाम है। कौन सा वार्ड से खड़े हो रहे हैं? वार्ड 30 जिला पंचायत मुरादाबाद। सर, आपके चुनाव में आपके क्षेत्र में किस तरीके का मतलब माहौल है? जनता क्या किस चीज़ पर आपको वोट देगी? आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आपकी छवि किस तरीके की जनता के बीच में जाए? हमारे जो वार्ड 30 है जी, पहले वार्ड 46 था जी, जो वार्ड की संख्या कम हो गई है जी, अब 39 वार्ड हो गए हैं जी। तो उसमें हमारे वार्ड की अब जो है वार्ड 30 हो गया है और उसमें से कुछ गांव निकल गए हैं, दो गांव निकल गए हैं जी, पीरपुर बरियार और खरक और चंदनपुर और सुल्तानपुर, और पुराना वार्ड हमारा अब ये नया 30 हो गया है। जनता यहाँ की चाहती है जो विकास करेगा उसको जिताएंगे। यहाँ विकास कार्य बहुत पुराने लंबे समय से ठप पड़े हुए हैं। मतलब इस बार मुद्दा चुनाव का आने वाला है, मतलब चुनाव का मतलब विकास आने वाला है, विकास आने वाला, विकास मुद्दा है। तो इस गांव में किस किस चीज़ में विकास की ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता है, जो सबसे पहले आप जिस और ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे? सड़क, पानी। इससे पहले के जो प्रधान थे, जो भी रहे हों, उनको किस मतलब उनकी क्या कमी रही जो वो आज तक जो यहाँ के जो क्षेत्रीय मतलब होना चाहिए, जिन्हें यहाँ के क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से वो प्रतिनिधि चुने नहीं गए। कोई शहर से आ रहा है, कोई पंडित नगला से आ रहा है, कोई बाहर से बिलारी से आ रहा है। जो क्षेत्र का यहाँ का प्रतिनिधि होना चाहिए वो यहाँ से लंबे समय से नहीं चुने गए। और रहा है तो विषम परिस्थितियाँ रही हैं, जो जिसने उसकी विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब जो विपक्ष की मतलब चुने गए और बीच में जो है कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिससे विकास कार्य ठप रहा है। आप कौन सी पार्टी से खड़े हुए? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी हूँ और हमारा पैनल में नाम गया हुआ है प्रथम 3 में जो है, और कल या परसों तक हमारे नामों की घोषणा हो जाएगी। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस चीज़ को देख करके आपको जनता वोट करे? जनता मतलब देखती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्षेत्र का व्यक्ति है, तो जनता चाहेगी। और पहले भी हमारे पिताजी काफ़ी लंबे समय तक गांव के प्रधान रहे हैं, जो उन्होंने निष्पक्ष पूरे क्षेत्र में जो है लोगों की मदद करी है, पंचायतें करी हैं, निष्पक्ष रूप से विकास कार्य किए हैं। तो जनता चाहेगी कि उनके लड़के भी जो है मतलब चुन के जाएँ, जिससे विकास कार्यों को मतलब गति दे सकें। धन्यवाद।